मॉर्निंग न्यू सेशन में बेटा आपका स्वागत है। हाँ जी, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। हाँ जी, आज का जो हमारा हिंदी का कार्य है बेटा, आज हम पार्ट नंबर एक सीखो कविता का पठन कार्य शुरू करने जा रहे हैं। सभी पठन कार्य मेरे साथ शुरू करोगे? चलिए बेटा शुरू करते हैं हिंदी का पठन कार्य। हाँ जी बेटा, सबसे पहले आप तिथि लिखोगे, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। बात बड़ों की मानो तुम, बहस कभी ना ठानो तुम, सबसे मीठा मीठा बोलो, कानों में मिश्री सी घोलो। हाँ जी, आपको पता है कि हमें जब बड़ों के साथ बात करनी चाहिए तो धीरे धीरे से आवाज़ में बोलना चाहिए, ठीक है? और कभी बहस नहीं करनी चाहिए, ठीक है? फालतू के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। और जब भी हम बात करते हैं, बात करने का जो तरीका है हमारा, वो बिल्कुल मीठा हो, मिश्री जैसा। मिश्री क्या होती है? मिश्री खाई है कभी आपने? मीठी होती है ना, कि जिससे आप बात करो वो आपको याद करे, हाँ कि हम उस बच्चे से मिले थे, ठीक है बेटा? इस पोएम से हमने सीखना है, ठीक है? ये ऐसे नहीं है कि हमने पढ़ ली छोड़ दी, नहीं, इसे हमने शिक्षा लेनी है। सुबह उठो स्कूल जाओ, पढ़कर सीधे घर को आओ, पढ़ना लिखना जिसको भाता, जग में वही जग में नाम कमाता। हाँ जी, आपको पता है बेटा स्कूल हम किस लिए जाते हैं? पढ़ने लिखने के लिए, है ना? स्कूल में जाकर हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। आपको पता है जिसको पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, जिसको पढ़ने लिखने में रुचि है, वही बड़ा होकर जीवन में महान व्यक्ति बनता है, ठीक है? जग जग होता है बेटा, जग के दो शब्द, दो अर्थ हैं। एक जग होता है बर्तन, एक जग होता है संसार। नाम कमाता, प्रसिद्धि प्राप्त करना, ख्याति लेना, ठीक है? भाता होता है अच्छा लगता। हाँ जी, आगे है बेटा, हमें खेलों के इस पैराग्राफ में हमें खेलों के बारे में बताया गया है। समय मिले जब खेलो खूब, मिट जाएगी जीवन की ऊब। ऊब होता है इच्छा। खेलों से बनती है सेहत, क्योंकि करनी पड़ती मेहनत। हाँ जी बेटा, आपको पता है कि हर काम में हमें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो आपको बताया गया है खेलों के बारे में इस कविता में कि खेलने से आपकी सेहत अच्छी बनती है, टीवी के आगे ज़्यादा नहीं बैठना, ठीक है? और मोबाइल तो आपको पता है सिर्फ आपने पढ़ने के लिए, आपकी क्लास के लिए ही आपने, आपके होमवर्क के लिए ही आपने यूज़ करना है, प्रयोग करना है, ठीक है? आपको पता है बेटा मोबाइल बच्चों के लिए नहीं है, ओके? तो आपने क्या करना है, शाम को, अभी गर्मी आ गई है, बाहर धूप होती है, शाम को आपने आउटडोर गेम मीन्स बाहर, घर से बाहर खेलना, ठीक है? साइकिलिंग किया करो, साइकिल चलाया करो, इससे भी आपको पता है आपकी एक्सरसाइज होती है, शरीर मजबूत होता है ना, ठीक है? आपका शरीर मजबूत होगा तो आप क्या बनोगे, सेहतमंद, ठीक है? तो आपको पता है बेटा कि हर काम में मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही खेलों में भी। आपको पता है खेलों के भी कंपटीशन होते हैं ना, आगे 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 आगे। तो आप खेलों में आगे बढ़ोगे तो ज़िंदगी में बहुत अच्छे बन जाओगे। हाँ जी बेटा, ये हमारी कविता थी। पहले पैराग्राफ में हमें बताया गया है बोलने चलने के ढंग की, कैसे हमें बड़ों से बात करनी चाहिए। दूसरे पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि हमें पढ़ लिख कर महान बनना है, पढ़ने लिखने की वैल्यू बताई गई है, ठीक है? आगे तीसरा हमें बताया गया है खेलों के बारे में कि खेल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है बेटा? ज़रूरी हैं खेलना भी हमारे लिए। तो ये हमारी बेटा कविता थी। आपने सभी ने अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है, इसका पठन कार्य करना है, ठीक है? और बेटा इसको लर्न भी करना है आपने, याद भी करना है। ओके बेटा, बाय बाय।